दोस्तों ये हमारा निशाम की तरफ से देख सकते हैं, ये हमारा कॉइल वेंडिंग मशीन है जो कि 1/5 पावरफुल कॉइल वेंडिंग मशीन है। दोस्तों इस पे काफ़ी आप मोटे मोटे वायर से आप कॉइल बना सकते हैं, जो कि देख सकते हैं इसका हैंडल देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, और ये देख सकते हैं इसकी गरारी वगैरह और इसके मीटर वगैरह देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमें देखने को मिलते हैं। इसके आगे जो हमें फर्मा पत्ती मिलती है भी काफ़ी लंबी रहती है, आप जितना बड़ा चाहें कॉइल आप इसमें बना सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है। दोस्तों इस मशीन को ऑर्डर करने के लिए आपको डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे जाके इस मशीन को ऑर्डर कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त मशीन हमें देखने को मिलती है। दोस्तों ये हमारे पास एक निशाम की तरफ से आया हुआ है कॉइल वेंडिंग मशीन जो कि 1/5 है, तो इसकी आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। साथ में इसके साथ क्या क्या चीज़ें मिलती है, सारे चीज़ की फिटिंग किस तरह से होती है, सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट से देखें। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाएँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिब रिजवी और आप देख रहे हैं RS इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो चलिए बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट हम ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं, बॉक्स के अंदर देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराती है। ये दोस्तों 1/5 का निशाम का कॉइल वेंडिंग मशीन है जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए गत्ते को हम फाड़ लेते हैं, फाड़ने के बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ इसके अंदर हमें पाई जाती है। तो देख सकते हैं बॉक्स को हम कर रहे हैं ओपन, और बॉक्स को कर लिया है ओपन, और इसकी पैकिंग सबसे अच्छी चीज़ तो ये लगी कि इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं कि पैकिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, यानी जो हमारे अंदर इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसका ख्याल रखा गया है कि कोई चीज़ हमारा इसमें डैमेज ना हो। तो चलिए फटाफट हम इसको निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका गत्ता निकाल लिया, ये हमारी मशीन है जो कि मशीन रेड कलर की है, इसका हैंडल वगैरह सारा चीज़ हमारा इसके अंदर है। तो एक एक करके सारी चीज़ हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको मतलब जोड़ना किस तरह से है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमारा एक मशीन है जो कि इसमें निशाम से की ब्रांडिंग की हुई है, निशाम की हमारा एक हैंडल है, यहाँ पे हमारा फर्मा लगने पत्ती, और ये हमारा जो है मीटर है। तो इसको हम फटाफट सारे प्लास्टिक को खोल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह से जोड़ना है। तो ये देख सकते दोस्तों ये हमारी मशीन जो कि हमने निकाल लिया है और प्लास्टिक से हमने रिमूव कर लिया है, अब इसको किस तरह से ऐड करते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो चीज़ है हमारा, ये स्क्रू हमें खोल लेना है, ये चारों स्क्रू हमें खोल लेना है, खोल के दिखाते हैं हम आपको। तो दोस्तों हमने ये नेटिंग खोल लिया है, इसके बाद इसको क्या करना है, मशीन को इसके ऊपर लग रखना है, और ये जो चार नेट है हमें ये चार नेट यहाँ पे कसना रहेगा इसकी इसको। तो चलिए फटाफट हम मशीन को इसको ऊपर रख लेते हैं। तो किस तरह से मशीन हमको रखना है, तो सबसे पहले आपको काम करना है यहाँ पे इस तरह से मशीन को रखना है, ठीक, इस तरह से मशीन को इस पर रख लेना है। और इसके बाद मशीन रखने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे से जो हमने नेट ये खोल के रखा हुआ है ये नेट लगाना है। तो चलिए फटाफट नीचे जो कोई देख सकते नीचे ये नेट है, नीचे ने फटाफट हम नेट लगाते हैं, फिर आपको आगे का स्टेप बताते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे रख दिया है, नीचे इसको लगा दिया है, इसके पेज को लगा दिया है, ये स्टैंड हमारा खड़ा हो गया, ठीक है, स्टैंड अब हमारा खड़ा हो गया। अब क्या करेंगे हम इसके मीटर लगाएंगे, तो मीटर लगाने के लिए देख सकते हैं इसके पीछे तरफ ये कुछ हमें बोल्ट दिए जाते हैं ये दो, ठीक है, ये बोल्ट पे हमारा जो है मीटर लगेगा। तो चलिए अभी फटाफट हम मीटर लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा मीटर है, तो मीटर हमारे किस तरह लगेगा हम आपको दिखाते हैं कि मीटर हमारा कुछ इस तरह ये नेट निकल के और यहाँ पे ये जो हमारी गरारी है यहाँ पे रहेगा, तो मीटर कुछ हमारा इस तरह से लगेगा। तो चलिए फटाफट इसको निकाल के और फिर मीटर को लगाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो मीटर है वो लग गया है, देख सकते हैं, अब इसको हम कर देते हैं सीधा, ठीक है, तो ये हो गया मेरा लग गया है। और अभी इसमें एक हैंडल मिलती है जो कि हैंडल हमारा यहाँ पे एक हैंडल में यहाँ पे हमारा दिया रहता है, यहाँ पे हमारा जो है ये यहाँ हैंडल लगेगा, ठीक है। तो फटाफट इसको हैंडल को भी हम कस लेते हैं, उसके बाद ये जो हमारा पीछे ये कॉइल बनाने वाला रहता है इसको भी हम यहाँ लगा लेते हैं, फिर आपको पूरा रिव्यू हम आपको मशीन का दिखाते हैं।
अब दोस्तों 1/5 का मतलब आप हम आपको बता दें, यहाँ से अगर आप मशीन चालू करते हैं और यहाँ पे आप ख़त्म करते हैं तो 5 टन आपका लेगा। यानी जो आपने छोटी कॉयल मशीनें देखी हैं 1/10 रहता है, जहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ख़त्म करेंगे वहाँ पे 10 टन लेता है, लेकिन ये 5 टन लेगा क्योंकि एक पावरफुल कॉयल वाइंडिंग मशीन है। इसमें आप मोटा से मोटा वायर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से आपका जो होगा वह कॉयल बन जाएगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त मशीन है, डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर जाएँ, फटाफट इस मशीन को ऑर्डर करें।